कभी कभी लोगों को उनके ही दवा का स्वाद चखाना पड़ता है। अगर क्रिकेट इतिहास में इस कहावत का कोई जीता जागता उदाहरण है तो वह है सौरभ गांगुली। पहले इस क्लिप को देखिए। इसमें एंड्रयू फ्लिंटॉफ मैच जीतने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर जश्न मना रहे हैं। यूं कहें कि गांगुली समेत पूरे भारत को बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ, यही एंड्रयू फ्लिंटॉफ जो इंग्लैंड के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है और वही जिसने युवराज सिंह के साथ अकड़ दिखाई थी। पर इसके बाद आपको पता ही होगा वो फिर कभी ऐसा जश्न नहीं मना सके। अब देखिए वह पल जब सौरभ गांगुली ने वानखेड़े का बदला लॉर्ड्स में लिया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बदले और इस जश्न की शुरुआत वहां से शुरू नहीं हुई थी। दरअसल इस रिवेंज को आकार दिया था गांगुली और फ्लिंटॉफ के बीच एक छोटे से डिनर पार्टी ने। तो चलिए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। साल था 2000 और ICC नॉकआउट ट्रॉफी चल रहा था। इसे आप चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेट कर सकते हैं। इंडियन टीम इस टूर्नामेंट की फाइनल तक पहुंच गई थी और इस टीम को लीड कर रहे थे सौरभ गांगुली, जो खुद इस टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर थे। टीम इंडिया भी गांगुली की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे माहौल में गांगुली, जिन्हें करी का बेहद शौक था, जब भी समय मिलता वो कड़ी खाने रेस्टोरेंट में पहुंच जाया करते थे। पर वह अकेले नहीं जाते थे, उन्हें ज्वाइन करने के लिए हमेशा एक बंदा होता था और वो बंदा एंड्रयू फ्लिंटॉफ होते थे। इसी तरह एक दिन जब ये दोनों एक कड़ी रेस्टोरेंट में गए थे तो वहां डिनर के दौरान सौरभ गांगुली की मुलाकात हुई वेंकट राघवन से, जो पूर्व भारतीय स्पिनर थे और उस समय के नेशनल क्रिकेट अकेडमी के स्पिन कोच भी थे। गांगुली झट से उठे और उनके पास चले गए और उनसे 15-20 मिनट तक बात करने लगे। लेकिन यह बात फ्लिंटॉफ को नागवार गुजरी। फ्लिंटॉफ को लगा जैसे उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यही घटना फ्लिंटॉफ के अंदर बदले की चिंगारी को हवा दे गई। इस बदले का पहला मौका फ्लिंटॉफ को 2002 के भारत दौरे में मिला। उनकी स्लेजिंग और आक्रामक गेंदबाजी का असर था कि एज अ प्लेयर वो फेल हो गए और भारत ने यह टेस्ट सीरीज आराम से जीत ली। और फ्लिंटॉफ ने मानो अपने करियर का सबसे लोएस्ट फेज देख लिया था और आने वाले ODI सीरीज में उनकी टीम में भी जगह पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को हटाते हुए फ्लिंटॉफ ने इस 6 मैच के ODI सीरीज में, जब भारत 3-1 से आगे था, 5वें मैच में फ्लिंटॉफ ने पहले 39 बॉल में 50 रन बनाए और फिर अपनी गेंदबाजी से लगभग आधी भारतीय टीम को समेट दिया था और इंग्लैंड ने यह मैच एक तरफा जीत लिया था। भारत 1982 से इंग्लैंड से उस टाइम तक अपने घर में ODI सीरीज नहीं जीत पाया था, यानी 6th मुकाबला एक मौका था इतिहास बनाने का। 6th मैच वानखेड़े में शुरू हुआ और इंडिया 225 रन को चेस करते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में था। सौरभ गांगुली 80 रन पर बैटिंग कर रहे थे। इंडिया को 6 विकेट्स रहते हुए 13 ओवर में 64 रन चाहिए थे और 2 विकेट्स बाकी थे और गेंद थी फ्लिंटॉफ के हाथ में, या यूं कहूं तो बदला लेने का यह एक परफेक्ट मौका था। उन्होंने पहले रन आउट किया और फिर बोल करके इंग्लैंड को जीत दिला दी। इस जश्न में फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के दर्शकों के सामने अपने टी शर्ट उतार दी और जश्न मनाने लगे। सौरभ गांगुली ने इस अपमान को अपने आंखों में कैद कर लिया और बदले की भावना लिए चुपचाप पवेलियन लौट गए। तो फिर क्या, सबको इंतजार था तो सिर्फ अगले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इनकाउंटर का, और यह मौका हमें मिला 4 महीने बाद नेटवेस्ट सीरीज में। दरअसल नेटवेस्ट सीरीज एक ट्राई सीरीज थी जो इंग्लैंड की सरजमी पर खेला जाना था, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया था। इस टूर्नामेंट में गांगुली के अंडर टीम इंडिया ने अपने सारे ग्रुप स्टेज मैचेस जीत लिए थे सिवाय इंग्लैंड के अगेंस्ट। सिर्फ 165 पर भारत ऑल आउट हो गया, मानो इंग्लैंड ने हमारे मंसूबे पर पानी फेर दिया हो। मगर तकदीर ने भारत को एक और मौका दिया। इंग्लैंड और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए थे और भारत को फिर से इंग्लैंड का सामना करना पड़ा। और जहां एक तरफ कॉन्फिडेंट इंग्लैंड की टीम थी और वहीं हम पर चोकर्स का टैग लगा हुआ था, क्योंकि इससे पहले पिछली लगातार 9 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल्स में जाकर हम भारतीय टीम बुरी तरह से हारी थी। ऊपर से सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले भी इस मुकाबले से पहले इंजुरी से जूझ रहे थे। खैर, फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में शुरू हुआ। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और भारतीय बॉलर्स को खदेड़ कर रख दिया। मार्कस ट्रेस्कोटिक 109 रन, नासिर हुसैन 115 रन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ 40 और इंग्लैंड के ओवरऑल 325 रन बन गए। इस मैच में 326 का विशाल लक्ष्य सामने था। अगर ये टारगेट आपको नॉर्मल लग रहा है तो सुनिए, उस टाइम तक पिछले 31 सालों में 300 प्लस का स्कोर ODI क्रिकेट में सिर्फ 7 बार ही चेस किया गया था। एक समय यह टारगेट देखकर पवेलियन में बैठे खिलाड़ी हार मान चुके थे,
घर में बैठे फैंस भी हार मान चुके थे सिवा एक बंदे के, सौरभ गांगुली। उन्होंने हार नहीं मानी। जहां कोच जॉन राइट और बाकी सीनियर प्लेयर्स विकेट बचाकर खेलने की सलाह दे रहे थे, वहां गांगुली का थॉट्स था कि जो होगा देख लेंगे, हमें सिर्फ अग्रेसिव खेलना है। और इस एटीट्यूड ने, गांगुली की इस पावर हिटिंग ने 15 ओवर्स के अंदर लगभग 110 रनों तक पहुंचा दिया था। गांगुली ने एक तरफ मोर्चा संभालते हुए 35 बॉल में अपनी 50 पूरी कर ली थी, मगर फिर टीम इंडिया की गाड़ी लड़खड़ा गई। वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और दिनेश मोंगिया सबके सब पवेलियन लौट गए थे। जो स्कोर 106-0 था वो अब 146-5 हो चुका था। अब पिच पर थे दो यंगस्टर, पहले सिर्फ 17 ओडीआई मैचेस खेले मोहम्मद कैफ और दूसरी ओर 39 मैचेस खेले युवराज सिंह। युवराज सिंह आते ही मार्कस टेरेस्कोटिक की बॉल पर अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा लेते हैं, पर उस समय मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने अपनी टीवी बंद कर दी होगी। इंडियन प्लेयर्स खुद ये मैच का डिफीट मार्जिन कितना होगा यही देखने के लिए यह मैच देख रहे होंगे। मगर धीरे धीरे इन यंगस्टर ने पहले डिफेंसिव खेला और अग्रेसिव खेलकर अप्रॉक्स 9.5 के रिक्वायर्ड रन रेट को खींचकर 6 तक पहुंचा दिया। एक तरफ से युवराज सिंह कुटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ। एक बार फिर से पवेलियन में जान आने लगी थी। यंगस्टर्स कंसेक्यूटिव बाउंड्री लगाते हुए, सिंगल्स लेते हुए, डबल्स लेते हुए और टारगेट को धीरे धीरे अपने करीब लाते गए, मगर फिर 121 रनों की पार्टनरशिप टूट जाती है और इंडिया 267-6 हो जाता है। मगर दूसरी ओर से मोहम्मद कैफ ने अपना बल्ला नहीं रोका। हरभजन सिंह आए तो उन्होंने भी अपना रन्स जोड़ा, जिसमें कि 47 महत्वपूर्ण रन थे। मैच अपने लास्ट के 3 ओवर में पहुंच गया था, जहां भारत को सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी और यही एंट्री हुई एंड्रयू फ्लिंटॉफ की। फ्लिंटॉफ ने पहले हरभजन सिंह को चलता किया, फिर अनिल कुंबले को, यानी 2 गेंदों में 2 विकेट्स मार गिराए। एक बार फिर गेम को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया और ये मैच जैसे तैसे लास्ट ओवर तक पहुंचा, जहां सिर्फ 2 रनों की दरकार थी और एक बार फिर से बॉल फ्लिंटॉफ के हाथों में। मगर इसके बाद बिना किसी ड्रामा के भारत यह मैच आसानी से जीत जाता है और इसी पल का दादा को पूरे 4 महीनों से इंतजार था। और फिर दादा ने लॉर्ड्स के मैदान में वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया, अपनी जर्सी उतारी और वो फ्लिंटॉफ की तरफ देखकर जर्सी हवा में लहराने लगे। वानखेड़े का बदला लॉर्ड्स में जाकर पूरा हुआ, सौरभ गांगुली का विश्वास पूरा हुआ, साथ ही फ्लिंटॉफ का घमंड भी चकनाचूर हो गया और यह सेलिब्रेशन सिर्फ इंडियन क्रिकेट के इतिहास में नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो गया। ये थी उस बदले की कहानी जो दादा ने फ्लिंटॉफ से लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कहानी आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।